बताया निकल के कि जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि रियासी अटैक केस में एक आतंकी गिरफ्तार हो चुका है और उसका नाम बताया जा रहा है हाकिम दीन नाम का जो आतंकी है वो गिरफ्तार हुआ। तो रियासी इलाके हमले में जो हुआ था, जिसमें श्रद्धालुओं से बसी भरी बस पर अटैक किया गया था, जिसमें तमाम लोगों की मौत हुई थी, लगभग 10 के आसपास तमाम लोग घायल हुए थे, उसमें पहली बड़ी सफलता ये मिली है कि एक आतंकी गिरफ्तार हो गया जम्मू में, जिसका नाम हाकिम दीन है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू पुलिस इसको गिरफ्तार किया है। हाकिम दीन पर आतंकियों की मदद करने का आरोप है। महज 6,000 रुपए में आतंकियों को जानकारी ये देता था। आरोपियों ने आतंकियों को सीसीटीवी वाले रूट से बचाया और हाकिम दीन पर आतंकी साजिश में शामिल होने का आरोप भी लगा है। और दिल्ली में पानी का संकट खत्म होने के बजाय गहराता जा रहा है। एक तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, ऊपर से पानी की कमी ने दिल्ली वालों की कमर तोड़ दी है। आने वाले दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट और ज्यादा गहरा सकता है, क्योंकि हथनी कुंड बैराज का जल स्तर गिर गया है। यह भी बता दें कि हथनी कुंड बैराज से 3 राज्यों यानी कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को पानी मिलता है, मगर इस बार 18 जून तक भी बारिश नहीं होने से बैराज में पानी कम हो गई है। यानी कि यही वजह है कि दिल्ली में पानी की किल्लत और ज्यादा बढ़ सकती है। और वहीं दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने 21 जून तक दिल्ली को पर्याप्त पानी नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने की बात भी लिखी है, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे कोरी राजनीति बताया। तो उधर हरियाणा के सीएम ने यह दावा किया कि हरियाणा की तरफ से दिल्ली को पूरा पानी दिया जा रहा है। आतिशी नौटंकीबाज या इस तरह के ड्रामे करबाज में, मतलब आम आदमी पार्टी के सारे नेता परफेक्ट हैं। ये कह रही है कल पानी कम आया, ये सरकारी कागज है। कल 17.34% पानी हरियाणा ने ज़्यादा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ दिया इनको कि हरियाणा पानी दे रहा है, आप हिमाचल से मांगिए। एक शब्द हिमाचल का मुँह से नहीं निकलता इनके, एक शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, बीजेपी की सरकार है, तो हरियाणा हरियाणा हरियाणा। अरे भाई, हिमाचल से पानी मांगो ना, कोर्ट ने भी कहा है नहीं मांगेंगी। पंजाब चुप है, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपनी चोरी, कालाबाजारी और पानी का गोरख धंधा, ये है। हम पूरा पानी दे रहे हैं, दिल्ली की जनता हमारी पारिवारिक है, परंतु जिस प्रकार से वहां की सरकार ने, केजरीवाल ने लोगों को सजब आंख दिखा दिए, सजब आंख दिखा करके उनको तो साइड में कर दिया। पानी तो पूरा जा रहा है, परंतु डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम वो ठीक नहीं कर पाया। जहां पानी एकत्र करते थे उसको भी व्यवस्थित नहीं कर पाया, और उसके कारण से, उनकी गलतियों के कारण से, ये केजरीवाल की गलतियों के कारण से वहां की जनता को ये समस्या का सामना भुगतना पड़ रहा है, और उसके कारण से वहां दिक्कत आई है। से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि हीट वेव की वजह से बीमार पड़ने वाले मरीजों का इलाज प्रमुखता से किया जाए। केंद्र सरकार ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि ज्यादातर राज्यों में दिन के समय ही नहीं बल्कि रात में भी टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा है, इसीलिए गर्मी से संबंधित बीमारियां जैसे कि हीट स्ट्रोक, थकावट और दूसरी बीमारियों के बढ़ने का खतरा बढ़ गया है, इसलिए हीट वेव्स वाले मरीजों का इलाज बिना देरी के किया जाए। केंद्र सरकार ने राज्यों से लोकल टेम्परेचर यानी कि फोरकास्ट पर भी गौर करने की जरूरत बताई है, ताकि समय पर हीट वेव से होने वाली बीमारी से निपटा जा सके। और अब बात दिल्ली में हीट वेव से हालात बिगड़ने की कर लेते हैं, जहां पर हीट वेव से देश की राजधानी में अब तक 16 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अस्पतालों में हीट वेव वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं दिल्ली में शमशान घाटों पर भी शवों की लंबी वेटिंग शुरू हो गई है। एक दिन पहले यानी कि बुधवार को दिल्ली के निगम बोध घाट पर डराने वाले आंकड़े सामने आए। यहां कोरोना काल के बाद कल सबसे ज्यादा शव एक ही दिन में जलाए गए हैं। बुधवार की रात 10 बजे तक कुल 136 शवों का दाह संस्कार किया गया, जबकि कोरोना काल में 22 अप्रैल 2021 को 253 शवों का दाह संस्कार किया गया था। दिल्ली के निगमबोध घाट, शमशान घाट में आज
रात 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक तकरीबन 136 शवों का संस्कार किया गया है, जिसमें लकड़ी के अंदर और सीएनजी के अंदर, तकरीबन सीएनजी में 22 और बाकी लकड़ी के अंदर संस्कार हुए हैं। हमारे यहाँ क्योंकि कोविड के समय में भी जब संस्कार हो रहे थे तो मैक्सिमम 250 की संख्या थी, लेकिन कोविड के पश्चात आज सबसे ज्यादा संख्या 136 बॉडी जो कि 10 बजे तक हुई है। और कार और देवर भाभी का कंकाल एक मिस्ट्री बन गया है। करीब 4 महीने पहले देवर भाभी दोनों लापता हो गए। 4 महीने बाद स्टॉप डैम के गेट खुले, पानी छोड़ा गया, तब एक खौफनाक राज बाहर आया। नदी में कार थी और कार में मिला देवर भाभी का कंकाल। क्या यह हत्या है या फिर हादसा? देखिए रिपोर्ट। डैम के खुले गेट, बाहर आया खौफनाक राज, देवर भाभी की तलाश, कार में लाश, नदी में कार, पिछली सीट पर दो कंकाल। 4 महीने से दोनों थे लापता। हादसा, हत्या या कुछ और? कार, कंकाल, एक मिस्ट्री। क्वारी नदी गोपी गांव के पास बनाई है स्टॉप डैम, जिसके अंदर करीब 4 महीने से एक ऐसा राज दफन था जिसका कनेक्शन 4 महीने से लापता मिथिलेश जाटव और नीरज जाटव से है। इस स्टॉप डैम के गेट खोले गए, पानी उतरने पर नदी से दिल दहलाने वाली तस्वीर बाहर आई। सफेद रंग की एक कार नजर आई। यहाँ मौजूद लोगों के लिए ये कार एक मिस्ट्री थी, लेकिन अभी तो एक और मिस्ट्री का बाहर आना बाकी था। कार को जेसीबी की मदद से नदी से बाहर निकाला गया। कार में कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही कार में झांका गया तो सबके होश उड़ गए। कार की पिछली सीट पर दो कंकाल मिले। ये कंकाल महिला और पुरुष के थे। कंकाल की तफ्तीश में सबसे बड़ा सुराग ये कार ही है। कार के नंबर से इस बात का खुलासा हुआ कि कार नीरज जाटव चलाता था। पास के गांव में ही नीरज रहता था। सवाल था कि दूसरा कंकाल किस महिला का है। दरअसल अम्बाह थाने में फरवरी में सरकारी टीचर मुकेश जाटव ने पत्नी मिथिलेश जाटव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसने कंकाल की पहचान कर ये कहा कि ये कंकाल उसकी पत्नी मिथिलेश का है। मृतक नीरज मुकेश का चचेरा भाई था। सवाल है कि आखिर देवर भाभी के कंकाल की ये गुत्थी क्या है? देखिए, अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन इनफेक्ट चल रहा है। सिहोनिया थाना अंतर्गत गोपी गांव के पास में एक रट्टा जैसा है, जो जानकारी मिली है उसमें कोई डूबी हुई कार मिली है और उसके अंदर संभवतः कोई डेड बॉडी है। अभी चूंकि वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वो निकल के आएगा, उसके बाद क्या लग रहा है? पुराना है सर? हाँ, ऑब्वियसली वो पुराना लग रहा है। कार की पिछली सीट पर दोनों के कंकाल मिले। क्या दोनों के साथ कोई अनहोनी हुई? क्या दोनों का कत्ल किया गया या फिर किसी हादसे का ये शिकार हुए? मिथिलेश जब से लापता हुई थी तब से नीरज भी लापता था। सवाल तो ये भी कि आखिर दोनों एक साथ कहां जा रहे थे, इसकी भी जांच जारी है। अभी कई राज का खुलना बाकी है। खबर ये है कि यूजीसी नेट पर बड़ा फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार ने 18 जून को भी यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया है। रद्द की वजह, गड़बड़ी की शिकायत पाई गई परीक्षा में। यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। सीबीआई को फिलहाल सौंप दी गई है इसकी पूरी जिम्मेदारी। दरअसल एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा कि 18 जून 2024 को हुए नेट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और जिसकी वजह से परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से मिले इनपुट के आधार पर ही सरकार ने यह बड़ा फैसला किया। नीट की तरह ही यूजीसी नेट एग्जाम का आयोजन भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ही कराती है। एनटीए के ऊपर एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर बार देश की इतने बड़े एग्जाम पर कैसे ये जो शिकायत की खबर आई वो कैसे आई? फिलहाल मिनिस्ट्री की तरफ से, केंद्र मिनिस्ट्री की तरफ से, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से परीक्षा को रद्द कर दी गई है। 18 जून को हुई थी ये परीक्षा आयोजित, जिसमें खबर आई गड़बड़ी की। उसके बाद भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से इनपुट मिले और इनपुट के आधार पर ही ये सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है।
तो यूजीसी नेट यानी कि पीएचडी को लेकर ये यूजीसी नेट होता है, ये अंडर ग्रेजुएट नेट होता है, जहां पर पीएचडी के लेकर यानी कि हायर स्टडीज के लिए जो बच्चे जाते हैं वो इस एग्जाम में बैठते हैं। और इसमें भी बड़ी गड़बड़ी पाई गई। इस वक्त की बड़ी खबर ये है, लेकिन ये हुआ कि एग्जाम से पहले ही बच्चों को भविष्य ना खराब हो कि बाद में वो एग्जाम दे, फिर रिजल्ट आए, फिर धांधली का पता चले। तो इससे पहले ही जैसे ही इनपुट मिले वैसे ही उसके आधार पर ही केंद्र मिनिस्ट्री की तरफ से यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि देश के इतने बड़े बड़े एग्जाम, मेडिकल जैसे, नीट जैसे एग्जाम, जो कि एनटीए कराता है, जो कि ट्रस्ट वर्दी एक इंस्टीट्यूशन है, एक एजेंसी है, इतने बड़े तादाद पर क्यों इतने बड़े एग्जाम में धांधली हो रही है, क्यों शिकायत की खबर आ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये भी बड़ा एग्जाम देश का माना जाता है, तमाम बच्चे तैयारी करते हैं काफी दिनों से, एग्जाम के डेट के इंतजार में लगे रहते हैं, और उसके बाद जब वो एग्जाम में बैठते हैं बड़ी उम्मीदों के साथ, तो उसमें आपको देखिए कि एक धांधली की खबर आती है तो उनकी उम्मीदों पर पानी भी फिर जाता है। फिलहाल अमित मालवीय, बीजेपी के नेता जो कि इनका सोशल मीडिया संभालते हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार के फैसले का स्वागत किया है अमित मालवीय ने, और उन्होंने कहा कि यूजीसी को रिपोर्ट मिलने के बाद परीक्षा में गड़बड़ी की गई थी, ये यूजीसी रिपोर्ट ने मिले उसके बाद भारत सरकार ने 18 जून को आयोजित नेट परीक्षा को रद्द कर दिया, सीबीआई जांच के आदेश दिए गए, छात्रों के हितों की रक्षा करने का आश्वासन दिया, और बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से रिपोर्ट मिलने पर नीट यानी कि यूजी परीक्षा में कार्रवाई का वादा किया है। फिलहाल सीबीआई को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि जो भी गड़बड़ी पाई गई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन बकायदा